हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ स्पीड डिस्टेंस टाइम का ऐसा मैजिकल ट्रिक जो आपको काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, आप कैसे फॉर्मूले याद रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी ये क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन रिलेटेड आते हैं, तो आप ये फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं, उस स्टोरी की हेल्प से आप फॉर्मूले को अगर भूलना भी चाहोगे अगर तो भूल नहीं पाओगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग। एक लड़का जंगल में जा रहा था और जंगल में जाते जाते सामने से एक सांप को देखा उसने। अब उसके हाथ में एक डंडा था, उसको एक ट्रिक याद आया, डंडा मारो सांप पे, फॉर्मूला बन गया आपका। यही फॉर्मूले है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि एक लड़का था जंगल में गया, सामने से सांप दिखा उसको, उसको ट्रिक याद आया। ट्रिक मतलब देखिए यहां पर ये ट्रिक क्या आया उसको, डंडा मारो सांप पे, डी फॉर डंडा, जो डंडा मारो, ये डंडा है, किसे मारो, सांप पे मारो, जो 3D इफेक्ट आ गया आपका, ये आपका डंडा बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ट्रिक डंडा मारो सांप पे। ये क्या होता है, T4 क्या होता है आपका टाइम हो गया, D4 क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, और S4 क्या हो गया आपका स्पीड हो गया। आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, वो भी बिना कंफ्यूजन के। और इसी चीज से मैं और दो फॉर्मूले बना लूंगा मैं। देखिए अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, देखिए यहां पर टी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो टी मल्टीप्लाई एस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बन जाएगा आपका। अब आपको स्पीड निकालना है तो क्या करोगे आप, देखिए ये स्पीड यहाँ चला जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन टी हो जाएगा। तो एक कहानी से आपका तीन फॉर्मूला याद हो गया, वो भी बिना कन्फ्यूजन के। अब आपको सिखाने वाला हूं मैं कि ये जो है फॉर्मूले कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाओगे सम को सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं ये सम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए आप क्या लिखा हुआ यहां पर, अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, और स्पीड निकालने बोले या कुछ भी निकालने बोले आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला था, ट्रिक डंडा मारो सांप पे। तो लिख दिया यहां पर ट्रिक लिखा मैंने, फॉर्मूला डंडा मारो सांप पे, ये फॉर्मूला बन गया आपका। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, हम स्पीड निकालना, तो निकाल दिया एस इक्वल टू डी अपॉन टी लिख दिया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया मेरा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर मैं लिख दिया यहां पर मैंने कि S इक्वल टू डी अपॉन टी, डी अपॉन टी लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखिए ये ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग, यहां पे कहीं पे भी आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन एज्यूम करोगे यहां पर। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, जो दिया हुआ है यहां पर ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, आप 150 लिख दोगे यहां पर। अब टाइम क्या है यहां पर, 30 सेकेंड दिया है आपको, तो 30 सेकेंड क्या लिखोगे यहां पर, आप 30 लिख दिया आपने यहां पर। उसके बाद क्या करोगे आप कैंसिल करोगे आप, और क्या लिखोगे, 3 5 15, और यहां पे लिख दोगे 5। लेकिन ये आंसर आपका राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, आपका आंसर क्या निकला है यहां पर, देखिए यहां पर वो मीटर लिखा है 150 मीटर, तो मीटर पर, वहां पर सेकंड लिखा हुआ है तो मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर आर में निकालना है, मतलब आपको ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में निकालना है। तो काफी कंफ्यूजन हो गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने हर कंफ्यूजन का आपका सोल्यूशन लेके आया हूं मैं। आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक दूंगा कि आप आंख बंद करके आंसर निकाल लोगे। क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, जब भी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आर निकालना हो तो क्या करोगे आप, आंख बंद करके क्या करोगे आप, लिख दोगे यहां पर 18/5, ये लिख दोगे 18/5, बस आपका आंसर निकल जाएगा, आपका मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसे आया वो भी आपको समझाने वाला हूं मैं। देखिए यहां पर क्या करोगे, देखिए यहां पर आप मल्टीप्लाई बाय 18/5,
तो 5-5 कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन ए 18 किलोमीटर पर आर आपका आंसर हो गया। अब आपको समझाता हूं मैं कि ये कैसे हुआ, ये 18/5 कैसे आ गया। तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या आया था, यहां पर देखिए ये आ गया 150 upon 30 था, ये मीटर था, ये सेकंड था। अब मीटर को मुझे किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा मैं 150 upon 1000 और 30 upon 3600। अब आप बोलोगे सर कैसे आ गया ये 1000 को डिवाइड किया, क्यों मल्टीप्लाई किया ना, उसके लिए भी आपको समझाने के लिए तैयार हूं मैं। क्या करना, देखिए यहां पर, यहां लिखिए आप किलोमीटर और मीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आपका क्या है मीटर है, तो मीटर के नीचे मीटर लिखूंगा यहां पर मैं और यहां पे क्वेश्चन मार्क करूंगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और यहां डिवाइड होगा, देखिए 150 अपॉन मल्टीप्लाई 1 और यहां पर 1000, इसीलिए यहां पर 1000 आया। लेकिन अगर यहां पे 150 मीटर नहीं होता, किलोमीटर होता, तो किलोमीटर के नीचे लिखते और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता, ये ध्यान रखना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये डिवाइड हो गया। अब ये कैसे आया, उसके लिए देखिए यहां पर मैं यहां पर आर लिख रहा हूं, यहां पर सेकेंड लिख रहा हूं। एक घंटे में कितना सेकेंड होगा, एक घंटे में होगा 3600 सेकेंड होगा, तो यहां पर 3600 सेकेंड लिख लिया मैंने। और ये 30 क्या है, मिनट है या सेकेंड है, 30 सेकेंड है, तो क्या करोगे आप, सेकेंड के नीचे सेकेंड लिखोगे यहां पर, तो यहां 30 लिख लिया मैंने। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई और यहां डिवाइड, तो 30 × 1 होगा और 3600 हो गया। तो इस तरह से ये आ गया, समझ गया। अब इसको क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल कैसे करोगे, देखिए यहां पर 150 upon 1000 × 3600 upon 30 ये है। लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है सर ये हमें समझ में नहीं आया, उसके लिए भी ट्रिक है। क्या करोगे आप, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी आंसर निकल जाएगा आपका। कैसे करोगे, देखिए यहां पर ये 150, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर 150 × 3600 upon 30 × 1000, तो 30 × 1000। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो आपका ये ट्रिक रेडी है। मतलब ये पूरे वीडियो में आपके हरेक कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेके आया हूं मैं, जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखिए यहां पर अब क्या करोगे, देखिए यहां पर 150 है यहां पर और ये 30 क्या है, 30 आपका 30 आप कैंसिल कर लीजिए फटाफट यहां पर। तो देखिए यहां पर 0 0 कैंसिल कर लिया मैंने यहां पर। तो देखिए अब क्या करोगे, देखिए 0 0 कैंसिल कर लिया मैंने यहां पर। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल कर लिया मैंने यहां पर। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 2 8 16 और 2 5 10। अब देखिए 15/3 पहले से था हमारे पास, अब क्या है यहां पर 18/, देखिए ये 18/5 जो यहां पर आ गया। मतलब मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर सेकेंड में करना है तो आपको 18/5 लिखना है। ये आपको समझ में आ गया, बस ये करना है। अब दिमाग में ये आएगा आपका कि सर अगर किलोमीटर पर आर दिया हो और मीटर पर सेकेंड निकालना हो तब क्या करेंगे एग्जाम में, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या करोगे आप, जब मैं समझाता हूँ अभी मैं, ये आपने लिख लिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अब मैं आगे समझाता हूँ आपको मैं। देखिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सुनिए शांति से। इसमें मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर, जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर करना है तो क्या करोगे आप, 18/5 करोगे। लेकिन अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड करना हो तो 5/18 करोगे आप, समझ गए आप, ये क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर एक कंफ्यूजन है हमारा, एक और एक ट्रिक दे दीजिए आप कि याद कैसे रखेंगे हम लोग। आपको याद रखने का ट्रिक दे रहा हूं आपको मैं, ध्यान दीजिए किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकेंड होगा तो मतलब बड़े से छोटे में जा रहा है, तो छोटे में जा रहा है मतलब छोटा नंबर ऊपर होगा, और जब
छोटे से बड़ा जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आर में जाएगा, मतलब मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, मतलब छोटे से बड़े में जा रहा है, बड़े में जा रहा है, मतलब क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो ये हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो चलिए शुरू करते हैं और एक सम शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये सम हम लोग। देखिए सेकंड सम देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आर इट क्रॉसिस अ सर्टेन पोल दैट इज इन द वे ऑफ 6 सेकंड्स एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। आपको इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो कभी कभार क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करने बोलते हैं, लेकिन आपको उसको एज्यूम करना है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस आपको बता दिया जाएगा टनल है तो लेंथ ऑफ ए टनल। फिर बोला जाएगा कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आएगा प्लेटफॉर्म दिया होगा, ब्रिज दिया होगा, तो ये सब चीज को प्लस करना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ए टनल प्लस लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म, जो भी दिया होगा आपको सबको ऐड करके आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो आपको ये याद रखना चीज। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन दिया है। जो आपको मैंने स्टोरी सुनाया था उससे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ट्रिक डंडा मारो सांप पे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या लिखोगे, डंडा मारो सांप पे, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इससे क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ ए ट्रेन निकालना है। लेंथ ऑफ ए ट्रेन मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये स्पीड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो टी मल्टीप्लाई बाय एस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूले से मैं आगे सम सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर्मूला है यहाँ पर। तो ये टी, टी क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर टाइम दिया होगा, देखिए क्या टाइम दिया है यहाँ पर, 6 सेकंड दिया है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 लिख दिया मैंने। अब एस, एस पर क्या है, स्पीड है, स्पीड क्या है मेरा 120 दिया हुआ है, तो लिखूंगा यहाँ पर 120 लिखूंगा मैं। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये फाइंड करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, उसमें किलोमीटर पर आर दिया हुआ है और हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका मीटर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आपको जो सिखाया मैंने इससे पहले, मैंने किलोमीटर पर आर को आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, मतलब किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है। बड़े से छोटे में जाओगे तो छोटा नंबर याद रखना है आपको। तो क्या करोगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे आप। जब बड़े से छोटे में जाना हो तो छोटा नंबर मतलब 5/18, और जब छोटे से बड़े में जाना हो तो बड़ा नंबर याद रखना है, तो 18/5, ये आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए यहां पर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर 6 1 6 हो गया, 6 3 18 हो गया। अब देखिए यहां पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 जीरो यहां पर आ गया। अब क्या बचा है यहां पर, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहां पर देखिए D इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर। तो आपका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है, ऑप्शन नंबर D जो है आपका राइट आंसर है। तो ये आंसर आ गया मेरा। तो अब मैं आपको एक सम होमवर्क देने वाला हूँ, मैं ये सम को आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ मैं, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। सम आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ मैं, सम देख लीजिए क्या है, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ इट इज क्रॉसिस अ टनल इन 2 मिनट्स देन द लेंथ ऑफ ए टनल इन मीटर्स फाइंड करना है आपको। तो ध्यान रखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ ए टनल फाइंड करना है आपको। मैं एक हिंट देता हूँ आपको, मैं इससे आपको हेल्प मिलेगी आपको ये सब सॉल्व करने के लिए। होमवर्क तो है लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ ए टनल फाइंड करना है, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर मैंने कि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ए टनल प्लस लेंथ ऑफ ए ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म, ये सब होता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, टनल दिया हुआ है और लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा, लेंथ ऑफ ए ट्रेन 700 है और लेंथ ऑफ ए टनल आपको पता नहीं है, तो आप सपोज करोगे लेट द लेंथ ऑफ ए टनल बी एक्स, तो डिस्टेंस क्या होगा 700 प्लस एक्स होगा और बाकी आपको मिल जाएगा आपको। तो ये सम आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए, और मैं कमेंट में आपको राइट आंसर का बताऊंगा आपको राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो तो ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिए, कि नोटिफिकेशन बटन आपके अगर दबा दिया आपने तो आपको सबसे पहले जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।